स्टूडेंट्स, आज हम आपको द्विघात समीकरण क्वेश्चन है हमारा गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। द्विघात समीकरण है हमारा 2√3x2 − 14x + 4√3 = 0। इसको गुणनखंड द्वारा हल करना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम a और c के मान को गुणा कराते हैं। ए और सी के मान को गुणा कराते हैं। यहां ए का मान क्या है? 2√3। इसका गुणा कराएंगे 4√3 से। इसका गुणा कराएंगे 2 × 4 = 8 गुणे और अंडर रूट का गुणा अंडर रूट होगा 3 × 3 = 9। 9 का वर्गमूल 3, 8 × 3 = 24। तो गुणा कराने पर लाना है 24 और जोड़ने या घटाने पर लाना है −14। दो संख्याएं ढूंढना है जिनको जोड़ दे या घटा दे तो −14 आए और उनको गुणा कराएं, उन्हीं संख्या को गुणा कराएं तो क्या है? 24 आए। तो दो संख्याएं हैं 12 × 2 = 24, 12 और 2 = 14। बड़ी संख्या रहती है तो छोटी संख्या है तो हम तो जान लिए कि 12 और 2 = 14 और 12 × 2 करेंगे तो 24 आएगा। लेकिन बड़ी संख्याएं हैं तो जो यहाँ पर गुणा करने पर आता है उसी के मान को उसका गुणनखंड करते हैं। उसके बाद उसी में संख्याओं को बांट करके हम पता लगाते हैं कि किन संख्याओं को जोड़े या घटाए तो यहाँ 14 आए और गुणा कराए तो क्या है? 24 आए। लेकिन यहाँ छोटी संख्या इसलिए पहले ही जान लेते हैं 12 × 2 = 24 और 12 और 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 14। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको कहते हैं मध्यपद गुणनखंड। मध्यपद को दो भागों में हम तोड़ देंगे, 14 को दो भागों में तोड़ेंगे। 12 + 2 −2√3x² − जो यहां निशान है वही रहेगा, जहां 14 है यहां दो भाग में तोड़ेंगे। 12 + 2 × x + 4√3 = 0। स्टूडेंट्स, अब हम यहां माइनस से और यस से इन दोनों में गुणा करेंगे। 2√3x² − x = 12 12 में तो 12x हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस, x का गुणा 2 में कराएंगे 2x + 4√3 = 0। अब यहां कॉमन लेंगे, यहां कॉमन क्या क्या है? 2 तो कॉमन है, रूट 3 भी इसमें कॉमन है क्योंकि 12 का गुणनखंड करेंगे। अगर 12 है इसका गुणनखंड करेंगे 2 × 4 = 12। इसको अंडर रूट में बनाएंगे, हम 3 को अंडर रूट में बनाना है तो क्या करेंगे? 2 × 2 × जहां 3 है किसी भी पूर्णांक को, मतलब 3, 4, 5 कुछ भी हो उसको अगर वर्गमूल के रूप में दिखाना है उसी को हम अंडर रूट में 2 बार गुणा कराएंगे। तो 3 को दिखाना है तो √3 × √3, 5 है तो √5 × √5, 6 को दिखाना है तो √6 × √6, इसी को 2 बार दिखा सकते हैं। गुणा कराएंगे बराबर उसी करेगा, 3 × 3 = 9, 9 = 9, फिर 3 आएगा फिर वही मान आएगा 12 ही। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। तो यहाँ 12 में हमें √3 और 2 दोनों कॉमन मिलता है, बचेगा क्या? 2√3 बचेगा। यहाँ 2√3 हम कॉमन लेंगे, 2√3 और x भी कॉमन है, x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? यहाँ बचेगा x माइनस, यहां से जब 2√3 कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या? 2√3 फिर बचेगा, यहां बचेगा 2√3, फिर यहां इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? −2 कॉमन है, बचेगा क्या यहां? यस, यहां प्लस क्या हो जाएगा? −2 × 4 = 2√3 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यस −2√3, यहां इन दोनों में कॉमन है यस −2√3, बचेगा क्या? 2√3x − 2, √0। स्टूडेंट्स, अब इसमें हम x माइनस 2√3 को रोकते हैं तो 2√3x − 2 इसके नीचे जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। यदि इसको रोकेंगे 2√3x − 2 तो इसको हम 0 के पास यहां ले आएंगे तो भाग में जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के मान की बराबरी हम 0 से करते हैं। एक बार इसके मान की बराबरी हम 0 से कराएंगे, एक बार इसके मान की बराबरी हम 0 से कराएंगे, दोनों 0 के बराबर होता है। यदि
x माइनस दो रूट तीन बराबर जीरो, तो यहां x रोकेंगे, x बराबर हो जाएगा दो रूट तीन, एक मान आया x का दो रूट तीन, यदि दो रूट तीन एक्स माइनस दो बराबर जीरो, यहां दो रूट तीन एक्स रोकेंगे, माइनस दो इधर जाएगा प्लस दो हो जाएगा, यहां एक्स रोकेंगे, एक्स बराबर दो बटे दो रूट तीन, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा एक बटे रूट तीन। अतः यक्ष के दो मूल होंगे, कौन कौन, यक्ष के मान होंगे दो रूट तीन और एक बटे रूट तीन, इसको लिखेंगे। अतः अतः यक्ष बराबर दो रूट तीन और एक बटे रूट तीन, यक्ष के दो मूल हैं।